कहूँगा इनिशिएटिव तो उनका, ये जो एकदम सोच रहे हैं ये उन्होंने कर लिया, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि इंडिया बेसिकली बाहर की कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया पे ट्रस्ट करती हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं, वहाँ से आकर इंडिया को मतलब उस पर पैसे लगाती हैं, वहाँ ट्रेड करना इंडिया के साथ चाहती हैं। तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए, ये पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है और इसके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो सकते क्रिएटिव हैं। इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड बहाल होगी, जो इससे इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ्यूचर में हम देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है, ना सिर्फ हमारे इकोनॉमिकल लेवल पे, हमारे पर्सनल जो रिलेशन है और हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो भी रिजोल्व होना शुरू हो सकते हैं इसके उससे। ट्रेड बहाल करने की, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ठीक है, जी, उन्होंने ट्रेड बहाल करने का कह दिया इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। आपको क्या लगता है, ये एकदम अच्छा है? चीज़ें होती हैं इंसान की इंटेग्रिटी की होती हैं, और कुछ कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं कि इंसान की मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। कुछ किसी चीज़ के अंदर ना कौम की गैरत वाला फैक्टर आता है। अगर उसको पैसों की मद में अगर आप तोलेंगे ना, तो आप जैसी घटिया कौम कोई नहीं होगी। पैसा जो होता है ना वो हाथ किसी भी तरीके से, अगर आप इनडायरेक्ट कोई अगर मैं कहता हूँ पेट्रोल की प्राइस 200 रुपये भी मिल जाती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर आपको वैल्यू किया जाता है और आपको लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, आपको भिखारी नहीं कंसीडर करते। तो मेरे ख्याल से बात, तो अगर आप ये कि वो कंट्री जिनके साथ हमारे इवन आज़ाद कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर जितने जुल्म सुतम हुए हैं, 70,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया, आए रोज़ जो औरतें होती हैं उनके साथ जना वगैरह की ज़्यादती वाले केसेज हुए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, उनकी आज़ादी को रोका जा रहा है, फिर आप उन इस चीज़ पे आती है प्लेटफॉर्म पे, जब आप जाते हैं एक्चुअल मीन्स पे जाते हैं, जब आपके एक्चुअल आपके एक्शन नज़र आते हैं, तो उसके अंदर आप जीरो पॉइंट नज़र आता है, कोई फैक्टर इस तरह का नज़र नहीं आता कि जिसके अंदर हमें, जैसे आपने कहा कश्मीर हमारी शारा गया इन ऑल दैट, तो सर उधर की जानिब से ये कहा जाता है जैसे आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया, ठीक है, उसके बाद देखा जाता है उनका, उन्होंने एक द कश्मीर फाइल्स भी बनाई है, उनकी जानिब से ये एक स्टेटमेंट आती है कि हमारे पंडितों को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा गया था, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर, मतलब हमारी ट्रेड बहाल होनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से अगर आप कश्मीर को अगर अपनी शहर कंसीडर करते हैं और अगर आप ये समझते हैं कि वो हमारे भाई हैं, तो अगर इस तरह ये है तो फिर आप इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करें, फिर आप इसराइल को भी तस्लीम कर लेना, इतने दूसरे तीसरी जगह का आपने दर्द क्यों बहाल रखा हुआ अपने पास, जब आप कश्मीर के नाम पर आप एड लेते हैं, आपको एड आती है, आप वहाँ से NGOs आती हैं, वो उनके पैसे और उनकी मदद आती है, कश्मीरी इस वक्त जो है तकरीबन 35 लाख से ऊपर के करीब तीन कश्मीरी हैं जो बाहर गए हैं, फॉरन रेमिटेंस आपको भेजे जा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी जो मायशियत है वो कंट्रोल में आई हुई है, डॉलर बाकी चीज़ें प्राइसिंग तो मायशियत हमारी कंट्रोल में जी कंट्रोल में थी और होनी है, लेकिन अगर उसके लिए तरीका ये है कि कोई भी गवर्नमेंट है ना, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आर्मी चीफ साहब आपके होते हैं 4 साल के लिए, गवर्नमेंट होती है 5 साल के लिए, सबसे पहले ये दोनों का टेन्योर, पता है कि हमारी इकॉनमी कितनी डाउन जा रही है? जी जी मुझे पता है इस चीज़ का, देखिए हमारी इकॉनमी का पूरा फेस क्या होता है कि रिसेशन पर जाती है इकॉनमी, आप कभी भी ग्राफ देख लें अपनी पूरी पिछली पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, ग्राफ नीचे जाता है जीरो लेवल से फिर आप जाता है, देखें जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है 5.6 GDP थी, जब आप तस्लीम नहीं कर रहे IMF ने अब तस्लीम जाके किया कि 5.6 GDP जीरो नेगेटिव पे थी जब इमरान खान साहब आए, इसका मतलब क्या है कि इमरान खान साहब की कोई कमालत है? तो नहीं, वजह यह है कि हमारी इकॉनमी का स्ट्रक्चर इस तरह बिल्डिंग हुआ हुआ है कि हमारी इकॉनमी ने ऊपर नीचे में जो काबिज भारतीय फौज है उसकी रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने एक और कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। काबिज ने इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए और काबिज इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट मोबाइल फोन जो सर्विसेज हैं उनको मुअत्तल कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 रोज के दौरान काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई है। दूसरी जानिब भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियों पर मोदी सरकार की खामोशी को अमरीकी अखबार ने तनकीद का निशाना बनाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि गुज़िश्ता दिनों इंतहा पसंद हिंदू जमातों के रहनुमाओं की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियाँ दी गईं और इस पर मोदी सरकार की जानिब से कोई एक्शन नहीं हुआ। अमरीकी अखबार का यह कहना है कि मोदी और बीजेपी के जो अक्सर रहनुमा हैं उनके इंतहा पसंद जमातों से करीबी ताल्लुकात हैं और ऐसी जमातों से ताल्लुक रखने वाले बाज़ अफराद बीजेपी का हिस्सा भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया और चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर मशाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया मशाल आपका ज्वाइन करने वक्त देने के लिए। मशाल आपने मुतालबा किया है कि जी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो निहत्ते और मासूम कश्मीरी हैं उनकी जो जारी नस्ल कुशी है उस पर OIC वज़रा खारजा का इजलास बुलाया जाए और आपकी नज़र में जो कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर अफगानिस्तान जैसा सरबराही इजलास बुलाना कितना अहम होगा? देखिए OIC की जो काउंसिल है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिस तरह उन्होंने एक हंगामी इजलास किया है, उनकी रगों में मौजूद जो भुट्टो का खून था ना उसने उन्हें अपने रास्ते से अपने मकसद से हटने नहीं दिया। मकबूजा कश्मीर में जो काबिज भारतीय फौज है उसकी रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी के लिए खोदे थे, सब में बारी बारी वो गिरते हैं, जख्मी होते हैं, निकलते हैं, अगले गड्ढे में गिरते हैं,
हो क्या रहा है? इन्होंने कहा कि इमरान खान पेट्रोल बहुत महंगा बेच रहा है, हम आएंगे तो 100 रुपए का बेचेंगे। हुकूमत में आए तो कहा इमरान खान दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा था। इन्होंने कहा इमरान खान बिजली बहुत महंगी बेच रहा है, हम हुकूमत में आएंगे तो आधी कीमत में बेचेंगे। हुकूमत में आए तो कहा इमरान खान बहुत सस्ती बेच रहा है, बिजली को आते ही 3 से 4 मरतबा महंगा कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने घी की और खाने के तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, और जब हुकूमत में आए तो इन्होंने कहा ये तो आलमी महंगाई है, हमें भी करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि आटे की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, चीनी की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन जैसे ही हुकूमत में आए तो उनको कम करने की बजाय मजीद बढ़ा दिया। इन्होंने नारे लगाए कि अद्वियात की अद्वियात चोर, अद्वियात की कीमतें बहुत बढ़ाई हैं। हुकूमत में आए 20% कीमत बढ़ गई, यानी जिस जिस चीज़ के ऊपर उंगली रखते हैं उसकी कीमत बढ़ गई है। मुर्गी को पर लग गए हैं, और वो जो मुर्गी वाला है अब उसको इतना बड़ा ओहदा मिल गया है, उसकी तो मोचें लगी हुई हैं। पीएम नवाज के उसी बयान की जानिब आते हैं सर, कश्मीर को मोदी की झोली में फेंकने का इल्जाम आयद किया है। सर मोदी किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था? अफगान पार्लियामेंट का, वो जो भारतीय पैसों से तामीर हुई थी नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह करके, वहां एक पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर दाग करके, किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था जो उसको बाकायदा वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया था? जाते हुए उसकी वालदा के लिए शॉल रवाना की गई थी, आमों की पेटियां रखवाई गई थी। क्या आप इतना बड़ा मुल्क इंडिया जिससे आपकी पड़ोसी भी है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है तो ये पाकिस्तान की इज्जत अफजाई है, अगर कोई जाती फंक्शन में भी? मैं तो हैरान हूँ आप पे। आज मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन अटेंड नहीं करते तब आप नाराज़ हैं, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑल द वे एक जाती फंक्शन पे भी आए कभी भी, आप हमारी जो रस्म रिवाज है सब कॉन्टिनेंट की, अगर किसी के कोई फंक्शन में या किसी के यहाँ, तो इज्जत उसको दी जाती है ना। मुझे तो हैरानी है आपकी बात पे, इसमें कोशिश की गई कि बैठ के मिसाइल का क्या, बैठे बगैर कभी कभी कोई किसी मुल्क का मसला हल हो सकता है? ये बात जुज़वी तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शायद आपको हैरानी जुज़वी तौर पर दुरुस्त हो रही है। मैं पूरा सवाल दागे देता हूँ। सज्जन जिंदाल जैसा जो है एक आदमी उस वफ्द में उनके साथ आया था, अगर आपको याद हो, सज्जन जिंदाल को मरी की पहाड़ियों पर लेकर के और राजो नियाज हो रहे थे। सर मेरा ख्याल है अब शायद आप समझ पाएंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा था। नहीं, मुझे नूरुल आरफीन वाकई आपके सवाल की, क्योंकि ये खा मखा के प्रोपेगेंडे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना भी नहीं बातचीत किसी से, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अपने यानी पड़ोसी मुल्क जो कि अनफॉर्चुनेटली आपसे उसकी मुखासमत है, आपकी उनकी एक दुश्मनी हो गई है, तो मामला तो तब। आज क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश व आपके शहर में, कौन सी चौराहे में हुआ है भयंकर, तो तभी हल होंगे ना जब आप आपस में बैठेंगे, या कोई और हल मुझे बता दीजिए, और या अमेरिका को बीच में डालेंगे। तो जो कुछ करें आप उससे सबसे नाराज हैं, ना खुद मिलें, ना अमेरिका की कोई हम कहें कि वो समझौता करा दे, या चाइना करा दे, या कोई मुसलमान ममालिक करा दे, तो मुझे कोई तरीका बता दें ना। आज 74 साल तो हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ कि आप अगर यही करते रहेंगे, एक दूसरे का मजाक ही उड़ाते रहेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल तक अगर वो हमारे मुल्क में आ गए और हमारी उन्होंने इज्जत अफजाई की, पर्सनल फंक्शन पर आए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं चलो नहीं आए तो आप बता दीजिए, आप बात करके देख लीजिए, टेलीफोन तो उठाते नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगर मोदी बन गए मैं उनके साथ हूँ इलेक्शन में, ये रिकॉर्ड की बात है कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो कश्मीर का खत्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। बनिया हिंदू बनिया जो है ना, वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। तो हिंदू बनिया एक सौ साल की अपनी प्लानिंग करता है, दिस इज वाई दे आर सक्सेसफुल, दे आर वेरी गुड प्लानर्स एंड वेरी सॉफ्ट, बड़े ये धीमे लोग हैं और सॉफ्ट कैरेक्टर्स के लोग हैं, ये जल्दी गुस्से में नहीं आते, एंड दे कीप ऑन प्रेशरिंग देयर कैरेक्टर्स टू फुलफिल देयर डिमांड, दैट इज़ व्हाई दे आर सक्सेसफुल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में चले जाएं, लोग इंडिया को पूछते हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। अगर आप मुझे ना भी बताती और आप मुझे कहती कि गेस करें कि कौन सा मुल्क है, तो मैं इंडिया ही करता हूँ, इंडिया से सीखें। मैं तो कहूँगा कि ऑब्वियसली सीखना चाहिए, हैदराबाद जैसे शहर में अगर इतना बड़ा बूस्ट
स्टार है, ठीक है, इंडिया का, दिल्ली बम्बई तो वो फिर बड़ी दूर रह जाते हैं, तो आप ये देखें कि फिर किस कदर वो फोकस्ड हैं। तो हमारे यहाँ अभी तक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, ये इसमें भी कुछ नहीं आ रहा, तो वहाँ तो हैदराबाद जो मेन स्ट्रीम शहरों में नहीं आता उस तरह से, जो मेन स्ट्रीम जब हम बम्बे की बात, हाँ वो नहीं आते। तो अगर इस तरह में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और ये लम्हा